जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अजमेर पुलिस द्वारा खादिम सलमान चिश्ती को समझाते हुए वीडियो पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। अजमेर दरगाह का एक खादिम है, उसका नाम है सलमान चिश्ती। वो खुलेआम धमकी दे रहा है, कह रहा है किसी को मारने का, और प्रोत्साहित भी कर रहा है कि जो ऐसा करेगा उसे पूरी जायदाद जमीन वगैरह देंगे। ये खुलेआम हो रहा है राजस्थान में। उसे राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर राजस्थान की पुलिस एक तरह से दिखा रही है कि राजस्थान में ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, किसके इशारे पर कन्हैया को सिक्योरिटी नहीं दी गई। आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कन्हैया को क्यों धक्के मार के निकाल दिया गया। या फिर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, करौली के अंदर जो कॉरपोरेटर था जिसने हिंसा करी, दंगे करे, वो उसको आज तक नहीं पकड़ा गया, उसे राजस्थान पुलिस बचा रही है। ये किसी न किसी ऊंचे स्तर पे जो व्यक्ति बैठा है उसके इशारे पर हो रहा है। ये तुष्टिकरण की राजनीति पूरे राजस्थान में हो रही है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, और जो माहौल राजस्थान में बना हुआ है उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है। अभी मुझे पता चला था एक भाजपा के अंदर आईटी सेल के अंदर जो एक पदाधिकारी है भूर सिंह राजपुरोहित, उसको पिछले 4 दिन से जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन राजस्थान पुलिस कुछ नहीं कर रही। कुछ उम्मीद भी नहीं है हमारे को गहलोत साहब से।